श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्रक्ष सहस्त्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वात्य अतिष्ठद दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यदभूतं यच् भव्ययम् उतामृत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषिं न श्रोत्राणि न मांसित्याद् चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो हैवैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्णा।